कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है इस लॉकडाउन के टाइम को आप एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे भी करीब 2 हफ्ते हो गए हैं मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला हूं, एक्सेप्ट ऑब्वियसली खाना खरीदने के लिए, ग्रोसरीज खरीदने के लिए। जितना घर के अंदर रहा जा सके मैंने उतनी कोशिश करी है, और कोई सिम्टम्स भी नहीं हुए मुझे कोरोना वायरस के। काफी हेल्दी और फिट फील कर रहा हूं। लेकिन अभी से करीब 3 घंटे में मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी है हॉस्पिटल में अपने आप को टेस्ट कराने के लिए, कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि मैं समझना चाहता हूं ये टेस्टिंग का प्रोसेस किस तरह से काम करता है, और आपको भी समझाना चाहता हूं। और ऑब्वियसली टेस्टिंग धीरे धीरे, जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, टेस्टिंग काफी इजीली एक्सेसिबल बनती जा रही है सब लोगों के लिए। तो मैंने समझा ये सही टाइम रहेगा अपने आप को टेस्ट कराने का, वहां पर डॉक्टर से टेस्टिंग का प्रोसीजर समझने का और आपको भी समझाने का। आपको आगे वीडियो में रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा अपने क्या आते हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग काफी जल्दी रिजल्ट दे देती है, 15 मिनट में रिजल्ट दे देती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि दो टाइप के टेस्ट होते हैं मेजरली, मोटे मोटे तौर पर कहें तो। एक है स्वॉब टेस्टिंग, जिसमें आपके गले के अंदर एक स्पेशल स्वॉब डालते हैं, और या नाक के अंदर या गले के अंदर, और वहां से वायरस आपका सैंपल लेते हैं और देखते हैं उसमें वायरस मौजूद है या नहीं है। एक तरह की टेस्टिंग हो गई है। आपने मुंबई कर निखिल का अगर वीडियो शायद देखा हो तो मुंबई कर निखिल ने ये स्वॉब टेस्टिंग कराई थी। अभी खाना खा के आया हूँ। डन। लेकिन मैं जो टेस्ट कराने जा रहा हूं वो ये वाला नहीं होगा, वो दूसरे टाइप का टेस्ट है, जिसे कहा जाता है ब्लड टेस्ट, सेरोलॉजिकल टेस्ट या एंटीबॉडी टेस्ट। ये 3 नाम है सेम ही चीज के। बेसिकली ये मेरा ब्लड सैंपल लेंगे फिंगर से, और उस ब्लड सैंपल में टेस्ट करेंगे कि मेरे ब्लड में इस वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज मौजूद हैं या नहीं है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया टेस्ट का तो मतलब मेरे ब्लड में एंटीबॉडीज मौजूद हैं, और अगर मेरे ब्लड में एंटीबॉडीज मौजूद हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पिछले कुछ दिनों में मेरे को कोरोना वायरस हुआ था। चाहे सिम्टम्स ना दिखे हो मेरे को, लेकिन मेरी बॉडीज ने उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज भी जनरेट कर ली, इसलिए ये टेस्ट दिखाने लग रहा है। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आया, मेरे ब्लड में कोई एंटीबॉडीज नहीं है, इसका मतलब मेरे मेरे को कोई कोरोना वायरस नहीं हुआ। और ऑब्वियसली अगर मेरे को ये रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उन लोगों में से हूं जिनको कोरोना वायरस हुआ था और जिन्होंने कोई सिम्टम्स नहीं दिखाए। एक्सपर्ट्स ने एस्टिमेट किया है कि करीब 40-50% लोग ऐसे हैं जिनको ये कोरोना वायरस हो रखा है नए वाला, और जो कोई सिम्टम्स नहीं दिखा रहे हैं, एब्सोल्युटली जीरो सिम्टम्स दिखा रहे हैं। तो स्वॉब टेस्ट और ब्लड टेस्ट में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। स्वॉब टेस्ट आपको ये बताएगा कि इस समय आपकी बॉडी में वायरस मौजूद है या नहीं है, और ब्लड टेस्ट आपको यह बताएगा कि इस समय आपके ब्लड में वायरस से फाइट करने की एंटीबॉडीज मौजूद है या नहीं है। तो ब्लड टेस्ट तब ज्यादा यूजफुल है अगर आपको लंबे समय के लिए देखना है आपको पिछले 1 महीने में कोरोना वायरस हुआ है या नहीं हुआ है, और स्वॉब टेस्ट तब ज्यादा यूजफुल है आपको इंस्टेंटली अगर चेक करना है कि इस वक्त बॉडी में वायरस मौजूद है या नहीं है। इस ब्लड टेस्ट का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर आ जाता है। जो रिजल्ट इंडिकेटर है वो कुछ इस तरह से दिखता है, बिल्कुल एक प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह है, उतना ही सिंपल भी है। आप 3 लेटर्स देखेंगे इस पे, सी, जी और एम। सी जो है वो कंट्रोल लाइन है, आप अपना ब्लड सैंपल डालेंगे नीचे तो सी वाली लाइन हमेशा एक लाइन बन के दिखेगी वहां पर, जो कंट्रोल के लिए है, बताएगी आपको कि ये इंडिकेटर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सी पे कोई लाइन नहीं आती है तो इसका मतलब है कि ये इंडिकेटर फेल हो गया, ये रिजल्ट टेस्ट ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। अगर सी पे लाइन आ रही है और जी और एम पे कोई लाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब है टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज नहीं है इस कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए। और जी और एम का मतलब क्या है? जी और एम का मतलब है दोस्तों IgG और IgM टाइप की एंटीबॉडीज। दो अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज हैं। IgM एंटीबॉडीज वो होती हैं जो आपके ब्लड में सबसे पहले शो अप होती हैं अगर आपको फ्रेश इन्फेक्शन हुआ है तो। तो अगर ये इंडिकेटर दिखाता है सी पर लाइन है, एम पर लाइन है, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट पॉजिटिव है और आपके ब्लड में IgM एंटीबॉडीज मौजूद है। इसका मतलब आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में ही हुआ है। एग्जैक्टली कहूं तो 4 to 9 डेज के बीच में इन्होंने रेंज बताई है डॉक्टर्स ने, अगर ये इंडिकेटर ये दिखा रहा है तो। अगर जी और एम दोनों पर लाइन है तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड में IgG एंटीबॉडीज और IgM एंटीबॉडीज दोनों मौजूद हैं, और IgG एंटीबॉडीज जनरली लेट शो अप होती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको करीब 10 से 25 दिन पहले इन्फेक्शन हुआ है कोरोना वायरस का। और सिर्फ जी पर लाइन शो अप हो रही है तो इसका मतलब है आपको काफी टाइम पहले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। इसकी रेंज बताई गई है करीब 20 से 25 दिन प्लस,
एग्जैक्ट रेंज डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि करीब करीब 1 महीने पहले आपको कोरोना वायरस हुआ था और इसीलिए सिर्फ आईजीजी एंटीबॉडीज आपके ब्लड में मौजूद हैं। तो ये 3 टाइप के पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं जिनका मतलब है कि आपके ब्लड में एंटीबॉडीज मौजूद हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और नेगेटिव रिजल्ट तब आएगा जब सिर्फ सी पर लाइन होगी, एम और जी पर लाइन नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, चल के देखता हूं मैं क्या रिजल्ट निकलता है मेरी बॉडी का। तो दोस्तों रिजल्ट आ गया है और क्या बताऊं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है। पहली चीज तो ये टेस्ट मैं अकेले नहीं कराने गया था, मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, तो हम दोनों ने साथ में टेस्ट कराया था। एक रिजल्ट मेरा है, एक रिजल्ट मेरी गर्लफ्रेंड का है। आपको खोल कर ही दिखा देता हूं, आप खुद ही समझ जाओगे क्योंकि मैं एक्सप्लेन तो कर ही चुका हूं किस तरह से काम करता है। ये वाला रिजल्ट है मेरी गर्लफ्रेंड का, आप देख सकते हैं सी और जी दोनों पर लाइनें हैं, तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और ये वाला रिजल्ट है मेरा, आप देख सकते हैं सिर्फ सी पर लाइन है। तो पहले इंस्टेंस में जब मैंने इसे देखा तो ऑब्वियसली सोचा कि मेरी गर्लफ्रेंड के ब्लड में एंटीबॉडीज हैं इस वायरस के अगेंस्ट, यानी उसको ये हुआ हुआ है और मेरे को नहीं हुआ है वायरस। लेकिन जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम दोनों में से किसी एक को ये वायरस हुआ हो और दूसरे को ना हुआ हो, तो इसके नेग्लिजिबल चांसेस है। एक्चुअली में फिर क्या हो सकता है इस रिजल्ट का कंक्लूजन, पहला तो ये हो सकता है कि रिजल्ट गलत आया। इसके कितने चांसेस हैं? इसके चांसेस हैं 99% एक्यूरेसी है इस रिजल्ट की, मैंने डॉक्टर से पूछा अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है, और 98.4% एक्यूरेसी है इस रिजल्ट की अगर सी और जी वाला पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो कुछ 1% चांस हो सकता है कि ये रिजल्ट गलत आया। अगर ये रिजल्ट सही आया, 99% चांसेस उसके यही है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा इसका लाइकली चीज ये हुई है कि ये वायरस मुझे पहले हुआ था, करीब करीब 45 डेज पहले हुआ था, मेरे से मेरी गर्लफ्रेंड को ये वायरस हुआ, और क्योंकि 45 डेज पहले मुझे वायरस हुआ था तो मेरे ब्लड में एंटीबॉडीज इसके खिलाफ जनरेट हुई, लेकिन इतना लंबा समय हो गया है कि मेरे ब्लड में वो एंटीबॉडीज खत्म भी हो गई हैं, और जब मेरे बाद मेरी गर्लफ्रेंड को ये वायरस हुआ तो उसके ब्लड में अभी भी एंटीबॉडीज मौजूद है। तो कुछ दिन बाद मेरी गर्लफ्रेंड को ये हुआ, अप्रोक्सीमेट टाइम डॉक्टर ने बताया कि अराउंड 25 to 30 डेज पहले कोरोना वायरस हुआ था मेरी गर्लफ्रेंड को, और मेरे को हुआ होगा ये करीब करीब 45 डेज पहले। तो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट है क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे को ये वायरस होगा, और इतनी पहले होने का मतलब है कि उस समय तो कहा जा रहा था कि यूरोप में गिने चुने केसेस आए थे और ज्यादातर चाइना तक ही सीमित था। तो मैं हैरान हूं कि जब लॉकडाउन किसी ने डिक्लेयर करे भी नहीं थे और तब भी वायरस का स्प्रेड इतना होने लग गया था, बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए देखना। तो आप पूछेंगे इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वायरस मुझे ऑलरेडी हो चुका है आज से करीब 1 महीने पहले तो क्या मैं अब इम्यून हूं इस वायरस के अगेंस्ट? ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों जिसका आंसर डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि अगर एक इंसान को ये वायरस हो जाता है तो क्या उसे दोबारा हो सकता है, कितने टाइम बाद दोबारा हो सकता है, कितनी देर तक ये इम्यूनिटी लास्ट करती है। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि एटलीस्ट फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम डेफिनेटली आप इम्यून हो इस वायरस के अगेंस्ट, और बाद में भी अगर आपको ये वायरस होगा तो हाई चांसेस हैं इसके कि डेडली नहीं होगा ये वायरस, फिर से दोबारा से कोई सिम्टम्स नहीं देगा वायरस, इसके भी काफी हाई चांसेस है। ये मेरे डॉक्टर का कहना था, और इसीलिए अभी भी ऑब्वियसली मैं इन लॉकडाउन के रूल्स को ओबे करूंगा और जितना घर के अंदर रहा जा सके उतनी रहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पता नहीं क्या चांसेस हैं वायरस दोबारा हो जाए, इसके रिगार्डिंग कोई क्लियर एविडेंस नहीं आया अभी तक। लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैंने रियलाइज करी रिजल्ट्स आने के बाद जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को दोनों को जीरो सिम्टम्स हुए, हम उन लोगों में से थे जिनको कोई सिम्टम्स नहीं हुए, और अपेरेंटली डॉक्टर का कहना है कि हमें कोरोना वायरस था। तो ये देखकर मुझे लगता है कि ऐसे कितने लोग होंगे दुनिया में जिनको वायरस ऑलरेडी है, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है और जो कभी डॉक्टर के पास टेस्ट कराने भी नहीं गए। तो मुझे लगता है कि जितने ऑफिशियल केसेस दिखाए जा रहे हैं एक्चुअली में अनऑफिशियली रियलिटी में उससे कहीं ज्यादा और केसेस मौजूद हैं। मैंने पढ़ा था कि करीब 80% केसेस में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कितने परसेंट केसेस में बिल्कुल ही एब्सोल्युटली जीरो सिम्टम्स होते हैं। अब जैसे जैसे रिसर्च आगे करी जा रही है, एक कंट्री है जिसको मैंने पर्टिकुलरली ऑब्जर्व किया, वो है आइसलैंड। आइसलैंड वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जहां पर लॉकडाउन नहीं डिक्लेयर किया गया है, और वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जो आम जनता के लिए फ्री में टेस्ट करवाने लग रही है।
और नॉर्मल लोग जब आके टेस्ट कराते हैं तो तब ये पता लग रहा है कि कितने लोगों में वायरस फैला हुआ है इन जनरल। आइसलैंड ने अभी तक 5% अपनी पॉपुलेशन को टेस्ट करा लिया है। इनकी पॉपुलेशन वैसे भी कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3,60,000 लोग रहते हैं आइसलैंड में। 5% लोग टेस्ट हो चुके हैं और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 1% जनता को इनके कोरोना वायरस केसेस हैं, जिनमें से 50% लोगों को जीरो सिम्टम्स हैं। शॉकिंग है काफी। इसका मतलब है कि जब ये वायरस इनिशियल स्टेजेस में फैला है तो जिन लोगों को जीरो सिम्टम्स थे वो लोग सबसे ज्यादा इस वायरस को फैला रहे थे, क्योंकि उनको पता तक नहीं था उनको वायरस हो रखा है। दूसरा ये कि जब मैंने आज डॉक्टर से पूछा कितने लोगों का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया था उन लोगों में से जो आज टेस्ट कराने आए थे, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि 50% से ज्यादा केसेस में पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आया। ये भी बड़ी शॉकिंग चीज है, जिससे एक और बार दिखता है कि कितने लोगों को ये वायरस एक्चुअली में है जो जिन लोगों को पता तक नहीं है। ऑब्वियसली यहां पे थोड़ा बायस जरूर है, क्योंकि सिर्फ वही लोग टेस्ट कराने गए थे, मतलब मेजोरिटी लोग वही गए थे टेस्ट कराने जिन लोगों को लग रहा था कि उनके सिम्टम्स दिख रहे हैं या वायरस हो सकता है उन्हें। लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे भी थे जिनको जीरो सिम्टम्स थे फिर भी अपने आप को टेस्ट कराने गए थे। एक चीज जरूर मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ऐसे टेस्ट कराने की एक बहुत बड़ी डाउनसाइड है, और वो ये है कि मैं जब टेस्ट कराने गया लोग लाइन में खड़े हुए थे, ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, लेकिन आप सोचकर देखिए उनमें से कितने लोगों को कोरोना वायरस एक्चुअली में होगा। अगर मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोरोना वायरस ना हुआ हो, वहां जाके जरूर हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग खड़े थे लाइन में, उनसे उनसे वायरस इन्फेक्ट होने का बहुत आसान चांस है। तो आप अपने आप को रिस्क पे डालोगे कि अगर आप हॉस्पिटल में जाकर अपने आप को टेस्ट करा रहे हो और अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे, तो अवॉइड करना बेटर है ऐसे केस में। और दूसरी चीज ये है कि ये जो टेस्ट किट है ये बहुत ही आसान है। काफी कंट्रीज में बात करी जा रही है, जैसे कि यूके और जर्मनी में, कि इसे अब ऑनलाइन सेल कर दिया जाए, ऑनलाइन जल्दी आपको हो सकता है ये अमेजोन पे खरीदने को मिले ये टेस्ट किट, और आप घर पर ही अपने आप को टेस्ट कर पाए कि आपके ब्लड में एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। इस चीज की एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल रेलेवेंस है। प्रैक्टिकल रेलेवेंस ये है कि जर्मनी और यूके जैसी कंट्रीज में बात करी जा रही है, इन ब्लड टेस्ट को यूज करके धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जा सकता है। पूरी जनता पर ये ब्लड टेस्ट करवाएंगे और देखेंगे कि किन लोगों के ब्लड में एंटीबॉडीज मौजूद हैं इस वायरस के खिलाफ, यानी वो लोग इम्यून है इस वायरस के खिलाफ, और हो सकता है उन्हें इम्यूनिटी सर्टिफिकेट्स दिए जाएं और वो पहले लोगों में से हों जिनको बोला जाए आप काम पर जा सकते हैं, आप घर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आप इम्यून है इस वायरस से। और ये फिर हर्ड इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर सफिशियंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इम्यून बन जाती है इस वायरस से, तो ये वायरस फैलने का रेट बहुत कम हो जाएगा, कंटेजियसनेस कम हो जाएगी, और इफेक्टिवली एक सोल्यूशन बन जाएगा इस कोरोना वायरस के खिलाफ। देखेंगे कितना इंप्लीमेंट किया जाता है, अभी तक प्रपोज किया जा रहा है सोल्यूशन। कहा जा रहा है कि इस होम टेस्टिंग किट का प्राइस $10 या उससे कम ही होगा, तो इतना भी ज्यादा नहीं होगा, और हो सकता है आप जल्द ही देखें अगले 1-2 महीने में कि ये अमेजोन पे मिल रही है, इंडिया में भी आप भी खरीद सकते हैं। और जो तरीका मैंने आपको बताया यही सेम तरीके से काम करेंगे, तो ऑलरेडी आपको पता लग ही चुका होगा। उम्मीद है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, नई चीजें जानी होंगी आपने। इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर पसंद आया दोस्तों, ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलाइए, और अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या फिर YouTube पर एक मेंबर बन के, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए बनाते रहूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।